दैनिक साथी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के प्रमुख समाचार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से 30 मार्च को सुबह 12:30 बजे से होने वाली परीक्षाओं के रविवार को प्रश्न पत्र व लेखन सामग्री के पैकेट जिला मुख्यालय स्थित हिंदू वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पहुंच गए हैं। अब 28 मार्च को सुबह 9 बजे से केंद्र अधीक्षकों को संबंधित लेखन सामग्री वितरित की जाएगी। हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा की बैठक में सभी कर्मचारी यूनियनों ने 28 व 29 मार्च को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होने तथा पूर्ण रूप से रोडवेज का चक्का जाम करने का निर्णय लिया है। ऑपरेशनल स्टाफ के साथ कलम का काम भी बंद रहेगा। सभी कर्मचारी पूर्ण रूप से हड़ताल में शामिल होने का दावा किया गया है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम हम सभी के लिए अनुकरणीय है। इससे विशेषकर युवा पीढ़ी को कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। वे रविवार को बावल नगर पालिका के वार्ड नंबर 12 में भाजपा कार्यकर्ता व आमजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के उपरांत बोल रहे थे। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा, राष्ट्रीय सेवा योजना राष्ट्र व समाज के साथ युवाओं के समन्वय का रचनात्मक व सक्रिय कार्यक्रम है। वे रविवार को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि महाविद्यालय बावल में चल रहे 7 दिवसीय NSS शिविर के समापन समारोह को मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। DC यशेंद्र सिंह ने कहा, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों के हित में चलाई जा रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि को 6 माह के लिए अर्थात सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले से जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलेगी, वे उनको भूखा सोना नहीं पड़ेगा। DC यशेंद्र सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने वालों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ऑनलाइन RTI पोर्टल लॉन्च किया है। इससे डिजिटल अभियान को गति मिलेगी। किसानों को खरीफ मौसम में ढेंचा बीज पर 80% अनुदान मिलेगा। DC यशेंद्र सिंह ने कहा कि अब किसानों को सिर्फ 20% राशि का भुगतान करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 4 अप्रैल कर दी गई है। कोसली विधानसभा क्षेत्र में JJP ने 1 माह में 5000 से अधिक सदस्य बनाने का रखा लक्ष्य। कोसली में पार्टी की हल्का स्तरीय बैठक में जिला प्रधान विजय गुजर बतौर मुख्य अतिथि रहे मौजूद। रेवाड़ी CIA ने मुक्तिवाड़ा से प्रतिबंधित नशीला पदार्थ बेचते हुए मुक्तिवाड़ा निवासी नरेंद्र व भक्तिनगर निवासी अभिषेक को किया गिरफ्तार। 10 ग्राम स्मैक भी बरामद। धारूहेड़ा के सेक्टर 6 थाना पुलिस ने अलग अलग जगह से एक मोबाइल फोन छीनने तथा 3 मोबाइल फोन चोरी करने के आरोपी निखरी के दीपक को गिरफ्तार कर मोबाइल भी बरामद किए हैं। मोबाइल बुक करने का झांसा देकर 53,500 रुपए की ठगी करने के मामले में कोसली थाना पुलिस ने तीसरे आरोपी विकासपुरी नई दिल्ली के रामदास मित्तल को गिरफ्तार किया है। वहीं पहले 2 आरोपियों से 19,500 रुपए, 9 मोबाइल, 1 लैपटॉप तथा 1 POS मशीन भी बरामद की जा चुकी है।